नमस्ते साथियों, आज के इस वीडियो में जनपद शिक्षा केंद्र स्तरीय TLM मेला की प्रमुख झलकियों को आप यहां पर देखेंगे। शिक्षक साथियों ने किस तरह के TLM तैयार किए हैं उसके बारे में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। मेले का उद्घाटन करने जा रहे हैं, सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि हरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश, प्रथम निमंत्रण आपको श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। करुणामयी वरदायिनी कर कमल वीणा धारिणी, मां सरस्वती। स्वागतम आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम। इंडक्शन खराब इंडक्शन के समान निकालकर हमने ये बनाया है विद्युत परिपथ, जिसमें आप देख सकते हैं कि दे यहाँ पर तीन मोड रखे हैं हमने इस बटन पर। पहला शुरू करते हैं वही, हाँ फिर वही से पानी पूरी तरह विस्तार से न रखते हुए संक्षिप्त उसकी मोटी मोटी दक्षता उनमें लाना चाहते हैं। उन दक्षताओं का विवरण आप दें संक्षिप्त में, क्योंकि TLM मेले में काफी ये वर्किंग मॉडल है। मतलब जैसे अपन जब सांस अंदर लेते हैं तो ये डायफ्राम जो अभी नीचे की जाता है तो हमारे लंग्स खुलते हैं, है ना। और जब हम सांस लेते हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर बिजली की समस्या रहती है, बच्चों ने इसको तैयार किया ताकि बिजली उत्पन्न की जा सके। और वहाँ पर बहुत गहरी कुओं में पानी रहता है, ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पाता, तो उन्होंने एक अवार से जो पवन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं, पवन से यहाँ पर टरबाइन लगे, साबुदाना सूजी काले चना मतलब अनाज वाली चीज, जल हमारी प्राकृतिक संपदा है। और हम जी हम स्कूल में सर मॉडल रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बना है। डायफ्राम किस तरीके से कार्य करता है, जैसे ये डायफ्राम नीचे आता है, ऐसे बच्चों को बताओ कि द्रव होते हैं वो किस तरह से किसी भी दीवार पे प्रेशर डाल के उसको शो किया है मैंने। जैसे कि मेरा मॉडल है, इसमें यदि हम पानी डालते हैं ये अलग अलग माध्यम से मैंने अलग अलग समझाया हुआ है, कोई भी द्रव जो है वो दीवार पर प्रेशर डालता है। ये बलून जो है ये देखिए ये बता रहा है कि दीवार पर प्रेशर, यदि ये बलून यहाँ की जगह यहाँ लगा जैसे ही ये दो प्रकार की सोशल मीडिया होगी, एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन। तो जैसे ही वो सबसे पहले बच्चों को वर्ण माला सिखा सकते हैं रस लगा करके सिरा तक, और इसके बाद हम बच्चों को करीब पांच माजे की डिब्बियाँ हैं इनमें हमने मात्राएं बना लिया है, और इसके माध्यम से विद्यार्थियों देखिएगा सर ये इनके माध्यम से हम अच्छा एक दो के या मतलब पाँच तक के विद्यार्थियों को कहानियों के माध्यम से जैसे शेर और चूहा की कहानी, शेर और खरगोश की कहानी, शेर और कछुआ और खरगोश, कौन करेगा मेरा आंगन हरा भरा खुशहाल, कैसे सुलझाओगे राय मैं खेतों में अन्न उगा कर कर दूंगा खुशहाल, अपने हल से हल कर दूंगा तेरा एक सवाल मेरी माँ तेरा एक सवाल। सर ये जो TLM है वो कक्षा तीसरी से पांचवी तक के बच्चों के लिए शब्द भेद के लिए है, ये बिलोम शब्द के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे छोटे जो बच्चे रहते हैं उनको एक एक शब्द का जब हम बताते हैं तो वो ज्यादा फोकस होता है और उन्हें ज्यादा अवधारणा
उनकी समझ के तहत मैंने एक मॉडल तैयार किया हूँ पर्यायवाची का। तो इसमें क्या होता सर, जैसा पेड़ का पर्यायवाची वृक्ष होता है तभी ही लाइट जलेगा जब लड़का उसमें लगाएगा। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए किया गया छोटा सा प्रयास है सर। जब हमने देखा कि COVID-19 के बाद कम से कम 1.5 साल बाद हमारी शालाएं खुली हैं, जो बच्चे फर्स्ट में थे वो एकदम से थर्ड में आ गए। अब उन्हें अक्षर के अलावा कुछ नहीं मालूम था सर, तो ये मात्राओं की हमने छोटी छोटी सी चक्रियां बना करके, जैसे जो काली है जी जी जी, आप लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है। जैसे कि मेरा है सबसे पहले पर्यायवाची शब्द, जिससे बच्चे पर्यायवाची के बारे में शब्द समझ के वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको पीछे देख के जैसे उनको बता देना कि क्या है, तो वो बता देना। व्याकरण संज्ञा तो सभी बच्चों को मालूम रहती है, लेकिन संज्ञा की डेफिनेशन क्या है, उसका उसकी परिभाषा क्या है, तो सर इसमें से परिभाषा बच्चा, जैसे हम लोग सैटरडे को पाल सभा करते हैं, उसमें अपने लोग पहेली माचिस की डिबिया से तैयार किया है मैंने। बच्चे को अपन जैसे बच्चा बर्ड सीखता है, मछली में तैयार किया है, बहुत बढ़िया। जैसे ये काला काला का सफेद बच्चों के लिए होगा जरूर का, इसे प्रदर्शन पर्यावरण बनाकर रजनी सर बच्चों को बताएंगे। हाँ जी, कि बेटा विलोम शब्द क्या है, विलोम शब्द का अर्थ क्या, व्याकरण का खजाना जी। अपन बच्चे से पूछेंगे कि बेटा संज्ञा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, अगर से बच्चे को मालूम है कहा जाता है द माइंड ऑफ द चाइल्ड इज लाइक ए मैग्नेट, वेरी गुड, व्हाट एवर ही सी सेम सेम कलर में देखो, इट इज अ सेइंग दैट आई हियर आई फॉरगेट आई सी आई रिमेम्बर एंड आई डू आई अंडरस्टैंड। क्रम में बच्चों से जी सबसे पहले व्याकरण की बात आती है, तो व्याकरण में शब्द होता है, शब्द की यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है, इसी तरह से सर ये बनाया गया है, एक एक लगाइए दो पाइए जी, इसमें एक शब्द है बाह जी, ये लिंग इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द वाले कुछ यहाँ पर डले हुए हैं, उनमें से हमको छाट करके इसमें स्त्रीलिंग जी और इसमें पर्यायवाची झरोखा है। ये शब्दों की दुनिया टॉपिक पे ये मॉडल CLM बनाया है, और ये सब वर्ण है सर, इससे जो शब्द बनेगी हम बच्चों से बताएंगे कि जैसे घा, घा से क्या बन सकता है, घड़ी घोड़ा शब्द है जी, जैसे हम इसमें बताएंगे बनाए तो ये ऐसा ये दिन का उल्टा क्या होगा, तो रात जी पर्यायवाची सब मतलब बच्चों को बताया गया है। हाँ हाँ हा। जी ये मात्रा चक्र है, तो अपन कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए सर मात्रा का ज्ञान कर सकते हैं जी। जैसे मान लो सर पानी सर जी, तो अपन बच्चों को इससे नए सर बनाना सिखा सकते हैं। सर ये मैंने प्राइमरी के बच्चों के लिए आकृतियों की समझ के लिए बनाया है, जिसमें बच्चे त्रिभुज, कुछ स्पोक्स और रबर ट्यूब का यूज किया है। बहुत बढ़िया सर, ये स्टेल में आपने मतलब स्पोक्स और रबर ट्यूब वायर ट्यूब का प्रयोग किया है, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति। अब हम त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकारों में सर मैं लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त की अवधारणा को बच्चों को सरल रूप में करके बताएंगी, क्योंकि ये अवधारणा बच्चों को समझ में नहीं आती है जी। तो सबसे पहले मैंने एक आधार बोर्ड बनाया है जिसमें 100 तक पूरी गिनती लिखी हुई गिनती है, लिखा है। इसके बाद मैंने एक कार्ड में 4 के अपवर्त मतलब 4 के पहाड़े में जो जो संख्याएं आती हैं उनकी मैंने कटिंग कर ली है। बड़ी संख्या 8 ही है, इसका मतलब है कि 8, 16 और 24 का महत्तम समावर्तक भी 8 होगा। अब सिखाने के लिए जी बिफोर एंड आफ्टर जी, संख्या के पहले और बाद, तो एक के पहले हम बच्चों को सिखाएंगे कलर के माध्यम से भी और अंकों के माध्यम से। जैसे लाल कलर में 1 लिखा हुआ है, उसके पहले क्या आएगा वो निकाल के देखेगा तो उसे 0। एक के बाद में क्या है तो 2। तो ऐसे ही सभी उसमें की जैसे पट्टी के माध्यम से, जैसे हम संख्या लिख लेते हैं 3-4 संख्या लिख लेते हैं, उसके माध्यम से हम दिखाएंगे कि बेटा 8 और 1 जी, इसमें इसको हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त क्या होगा, तो 8 और 1 को हम जोड़ रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है 9 इस संख्या पट्टी के माध्यम से। फिर 5 और 2 जी, 5 और 2 5 और 2 को जोड़ने के बाद 7 प्राप्त हो गई, और ये संख्या ज्ञान है जी, चक्र के माध्यम से हाँ 1 से 99 तक की संख्या जी है, 1 से 1 करोड़ की संख्या, 1 से 1 करोड़ तक की संख्या जी।
मेरा नाम कमलेश साहू है जी। सर मैं आपको जीरो इन्वेस्टमेंट का एक गणित की संक्रियाएं हैं जिसमें एक ही समय पे आप चारों संक्रियाएं सीख सकते हैं या बच्चों को सिखा सकते हैं। सम संख्याओं की एक थैली बनाई हूँ सर। हाँ। ये सम विषम संख्या है। हाँ। इसकी एक थैली है सर जी। क्योंकि हम गिनती का चार्ट गिनती हम पूरी गिनती में अगर सम विषम सिखाते हैं तो बच्चा बिल्कुल नहीं सीख पाता है सर। इसमें जैसे मान लो ये 10 आता है सर, या मैंने 9 लिया सर, है ना। तो अब हम 9 का योग, हम बहुत सी संख्याओं को जोड़ के भी हम 9 का योग ला सकते हैं। स्थानीय मान है, छोटे रूप में है, लेकिन है बहुत सॉलिड है जी। अब इसमें सर मेरे को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का मेरे को मान सिखाना है बच्चों को। सर ये पहली दूसरी के लिए ये बहुत सरल पद्धति है सर। हाँ। ये एक खेल गतिविधि है। इस खेल गतिविधि पे मैं आपको बताती हूँ सर, जीरो से लेकर 99 तक की संख्याएं आप बच्चों को बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। सर पांचवी तक में भी बच्चे बहुत कठिनाई महसूस करते हैं भिन्न के सवाल करने में। बिल्कुल। तो मैंने ये एक चार्ट बनाया है सर, ये चार्ट है, इसमें ये अपना एक भाग है। इसी भिन्न को और सरल तरीके से मैंने इसमें समझाया है सर। ये मैंने एक गोल वृत्त जैसे बनाया है, तो ये पूरा एक भाग है इसका सर। अब इसको मैं मैंने सर एक और मॉडल बनाया है जी, ये वाला जी। अब हमारे ये भाग तो बढ़ जाते हैं सर, लेकिन हम उसको बताएंगे कैसे। मान लो ये 9 है सर, तो 9 भाग है, 9 भाग में से आपको एक छायांकित करना है। पांचवी में है सर, है मैडम। तो सर मैं ये चक्री को घुमा के लाऊंगी। सर्वप्रथम बच्चों को त्रिभुज, सभी प्रकार के त्रिभुज के बारे में अवगत कराता हूँ। और त्रिभुज में जो भी त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज और घनाव, दोनों घन ही बनाए। अच्छा, घन और ये घनाव जी, इसके बारे में आप बताओ। बहुत बढ़िया सर ये। इसके बाद में बच्चों को यही चतुर्भुज की रचना जी, चतुर्भुज या समांतर रेखाएं। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ वृत्त के बारे में। हम देखते हैं सर, हम नॉर्मली देखते हैं सर कि वृत्त की जो आयु आजू की परिधि कहते हैं, इसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ होता है। सर हम देखते हैं कुकर का रबर सर, ये भी हम वृत्त की परिधि है जो कि हमारे दैनिक जीवन में यूज होती है। इसे हम बोलेंगे गोल कहेंगे, और ये वृत्ताकार है ना। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, और आगे बताइए। बांस से बना, बांस का जो बनाते हैं सामान, वो लोग द्वारा किया जाता है।